मतलब ये यू आर नाउ कनेक्टेड टू। गायत्री मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर। बढ़िया, गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून सर। क्या हुआ? सभी मतलब तुम्हें, तुम्हारी बात चल रही है, तुम लोग को भी मुझे ही बोलना पड़ता है मैडम। हमारा वो हो गया है फंक्शंस, लिमिट्स पहले करेंगे ना, फैसिलिटी पहले करेंगे। बैलेंस चले तो तब तो दौड़ेंगे ना। एक मतलब समझ नहीं पाया क्या बोलो? न्यू पैटर्न मॉक टेस्ट तुम्हें मिले तो हैं? जो मैंने तुम्हें दिए उसमें इंटीग्रल टाइप भी तो है, प्रैक्टिस वाले रिवीजन मॉड्यूल जो आपने मैथ्स के प्रीवियस ईयर करो, और कौन से बुक करोगे सवाल? वो मॉड्यूल बहुत है जो मैंने दिया, और उसके अलावा कितना टाइम कहा हमारे पास करने का? कौन से बुक करोगे आप? बुक तो ऐसा सिंगेज भी आती है, पंकज ज्योति भी आती है, हरियंत की आती है, अमिताभ अग्रवाल, बहुत सारी बुक्स है। कहाँ तक करोगे सवाल बताओ? टाइम भी तो नहीं है ना उतना हमारे पास, एक ही तो जीवन मिला है उसी में यही निकालना। लिमिट्स ठीक है ना? लिमिट्स में अगर आप बात करोगे, मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ, ज्यादा इधर उधर की बातें हम लोग इसमें डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि ऑलमोस्ट आपको चीजें पता होंगी इसकी, कि अगर लिमिट में हम लोग एक्सटेंडिंग टुवर्ड जीरो ये लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, तो इट इज डिनोटिंग वॉट? ये एक्स है, ये एफ एक्स है, तो मान लो एफ एक्स ये है, करेक्ट? तो जो लिमिट में एक्सटेंडिंग टुवर्ड जीरो या ए जो है वो क्या है? जीरो पे एफ एक्स की वैल्यू लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, यहां पे। तो किसी भी फंक्शन की जो लिमिट होती है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, ये क्या होता है? लिमिटिंग वैल्यू होती है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए माइनस एंड एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए प्लस, करेक्ट? Extending towards a minus at extending towards a plus is limit extending towards a f x हो जाएगा, clear? ये होती है limiting value। अब यहाँ पे एक हमारे पास standard लिखी left hand limit होती है, left hand limit जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? LHL, left hand limit। तो वो क्या होती है? limit में extending towards a नेगेटिव f ऑफ x, मतलब f ऑफ x जो है a माइनस से टेंड कर रहा है a की तरफ, करेक्ट? ये मान लो x इक्वल टू a है, ये हो जाएगा a माइनस, करेक्ट? ये हो जाएगा a माइनस, तो ये क्या हो गया? लिमिट में f ऑफ a माइनस h, करेक्ट? ये हो जाएगा लिमिट में एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स a माइनस f ऑफ a माइनस एच हो जाएगा एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। ये इसमें कोई डाउट तो नहीं? स्टेप में आपको समझ में आ रहा है कैसे लिखा है? आयुष, एक्स माइनस ए को हम लोगों ने टी मान लिया है, तो ये हम लोगों का जब यहां पे ए माइनस लिखा हुआ है तो ये क्या है? एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए माइनस एच है कि नहीं? तो अब मैं ए माइनस एच एक्स की जगह डाल रहा हूं, मान लो एक्स की जगह ए माइनस एच, तो जब एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए माइनस है ये क्या हो जाएगा? h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो जाएगा कि नहीं? यहाँ पे x टेंडिंग टुवर्ड्स a माइनस आ रहा है, तो h 0 को टेंड कर रहा होगा, तो वही लिखा हुआ है x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ a माइनस h, क्लियर? ये लेफ्ट हैंड वैल्यू हो गई। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी? तो लिमिट में h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ a प्लस h, बिल्कुल सही है। हाँ
आशुतोष तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ? आएगा आशुतोष बोला यस सर आ रहा है। ठीक है बढ़िया, लिख लो इसको, नोट कर लो। सर ये तो आता है मतलब। अच्छा आगे बढ़े। तो इसी को हम अगर आगे बढ़ाए, स्टैंडर्ड इफ एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल देन लिमिट में एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए प्लस और ए माइनस एफ एक्स जो होता है एग्जिस्ट्स, ठीक है ना। एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए भी लिख सकते हैं क्योंकि एल एच एल आर एच एल दोनों एग्जिस्ट कर रहा होगा। ये पहला केस है। और इफ एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल देन लिमिट जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ये हो जाएगी लिमिट। इफ एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल देन लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है गायत्री? यस सर क्लियर। यहाँ पे लिख देना कि ये जो एल एच एल है ना, ये वाले केस में तो फाइनाइट आती है, एल एच एल एंड आर एच एल शुड हैव यूनिक वैल्यूज, शुड हैव यूनिक वैल्यूज। एल एच एल एंड आर एच एल शुड हैव यूनिक वैल्यूज। इफ एनी ऑफ LHL or RHL tending to infinity, then limit does not exist. क्योंकि हाँ जब जब भी कभी एक भी बंदा इन्फिनिटी होने लगा इक्वल नहीं, यूनिक नहीं आएगा, नॉट यूनिक। यूनिक मतलब कोई नंबर होना चाहिए, करेक्ट। इफ एनी ऑफ LHL और RHL tending to infinity, अगर वो इन्फिनिटी टेंड कर रहा होगा तो लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट। जैसे एग्जांपल इसका लिख सकते हो, लिमिट में एक्सटेंडिंग टू जीरो वन ऑफ वन अपॉन एक्स, तो एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस पे प्लस इनफिनिटी आएगा, जीरो माइनस में माइनस इनफिनिटी आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डीएनई केस हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, करेक्ट। फॉर अ ऑस्किलेटिंग फंक्शन लाइक लिमिट में एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन वन अपॉन एक्स, साइन वन अपॉन एक्स एक्सटेंड टू जीरो पे क्या हो जाएगा, साइन इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी जो कुछ भी हो, पर हम ये बात बोल सकते हैं कि वो माइनस वन से वन के बीच में होगा, करेक्ट, माइनस वन से वन के बीच में होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एज इट हैज नॉट यूनिक वैल्यू, एज इट हैज नॉट यूनिक वैल्यू, करेक्ट, देन ऑल्सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर ऑस्किलेटिंग वैल्यू हो जाएगी, करेक्ट। कोई समस्या तो नहीं अभी तक, यूनिक नहीं आ रही ना इसलिए ऑस्किलेटिंग बोल रहे हैं। कोई समस्या अभी तक? स्टैंडर्ड क्या, सम स्टैंडर्ड लिमिट्स, ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, अब हम लोग लिमिट्स की बात करते हैं। लिमिट में एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, ये जो होता है आप लोग ये लिख लीजिए सम यूजफुल सीरीज, इसके नीचे नोट बना के, तो अब जब सीरीज वाले क्वेश्चन आएंगे वो भी आप इजीली कर पाओगे। साइन एक्स की सीरीज क्या होती है, x माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 बाई x फाइव फैक्टोरियल माइनस x की पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल, दैट्स जस्ट इनफिनिटी, करेक्ट। cos x क्या होता है, 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, दैट्स जस्ट इनफिनिटी। ऐसे ही tan x क्या होता है,
एन एक्स होता है एक्स टू एक्स की पावर फाइव डिवाइड बाई 15 यहाँ पे ये भी आप ये गलती से हो गया है माइनस है ये प्लस माइनस अल्टरनेट चलेंगे ठीक है ना वही मुझे लगा ये प्लस होता है ना एक्चुअली में सारा 10 में जो होता है ना इसको ध्यान से देखना ये सारे प्लस होते हैं बट ऑब्वियसली ये माइनस माइनस दोनों जगह होने चाहिए तभी वो डिजोल्व होंगे और इनके जो प्रूफ है ना आप लोग फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ोगे तो अभी ऐसा कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है हम लोग का टेलर थ्योरम एक होती है उसमें इस सीरीज का प्रूफ है कि ये कैसे करते हैं इसको डिफरेंशियल कैलकुलस का ही पार्ट है वो करेक्ट तो ये हो गया इसकी सीरीज जो स्टैंडर्ड हम लोग की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनकी सीरीज लिखी है मैंने अब एक्सपोनेंशियल की सीरीज आपको पता है पहले से था 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल ये सबको आइडिया है इस चीज का और लॉग 1 प्लस एक्स की सीरीज क्या होती है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 डैश डैश इंफिनिटी और लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स की क्या हो जाएगी इसी तरीके से माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स क्यूब पावर 4 बाई 4 डैश डैश इंफिनिटी और e की पावर माइनस एक्स की सी कहाँ पे कहा प्लस रहेगा एक्स की जगह माइनस एक्स रख दिया यहाँ माइनस एक्स रखोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसमें फर्क पड़ेगा भाई ये एज इट इज रहेगा पूरे माइनस हो जाएगा समझे भाई उसके मन में डाउट आ रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है सारा सब नेगेटिव कैसे हो गया लॉग की वैल्यू तो पॉजिटिव होती क्यों नहीं आ रहा डाउट ये तो जेन्युइन डाउट है अभी तो आना चाहिए तुम्हें नहीं आप लोग से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ राइट साइड पूरा नेगेटिव लिखा हुआ है ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है तुम्हें डाउट नहीं आ रहा मैं ही बता देता हूँ डाउट बताओ तुम तो बोलते हो कि हमने ऐसा लॉग की वैल्यू पॉजिटिव आती है तुमने कहा था ऐसा होगा नहीं कभी फिर कैसे हो गया अरे यार ये 1 माइनस एक्स पड़ा हुआ है एक्स की वैल्यू 1 से छोटी होगी कि नहीं डोमेन में 1 से छोटी मतलब 0 से बड़ी भी तो होनी चाहिए या कुछ भी डालो उससे फर्क क्या पड़ रहा है अब जैसे आप डालोगे तो फ्रैक्शन आएगा फ्रैक्शन की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी और नेगेटिव डालोगे तो भाई नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा तो सब पॉजिटिव रहेंगे ना नेगेटिव की वजह से आगे की भी तो इस वजह से सही तो है सीरीज डाउट थोड़ी ना है क्लियर है ये हो गया ई की पावर माइनस एक्स की सीरीज क्या हो गई जहां जहां पे प्लस था वहां वहां पे माइनस कर रहे और एक्स की स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव रखेंगे और ऑड वाला टर्म निगेटिव रखेंगे करेक्ट ये आ गया कोई समस्या इतने में अभी कोई समस्या नहीं है नहीं सर क्वेश्चंस करें नोट वाला पार्ट हो गया अब जो हम लोग कर रहे थे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ सीरीज ओपन कर दो मेरे को फटाफट से बताओगे आ रही वैल्यू x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल x की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल डैश डैश इंफिनिटी डिवाइड बाई x तो ये क्या हो गया सॉल्व होने के बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 बाई 5 फैक्टोरियल डैश डैश इंफिनिटी ये कितना आ गया जीरो डालने पे 1 आ गया आंसर फटाफट ये x टर्निंग टुवर्ड्स 0 cos x क्या हो जाएगा सर एक बार ऊपर का नोट करना था नोट कर लिया हाँ
cos x upon x exist नहीं करता है, वो infinity हो जाएगा ना, 1 upon 0, वो does not exist वाली category में आ जाएगा, ये 1 होता है। cos x की series open हो गया सर, x की value 1, 0 डालेंगे। x tending towards 0 क्या हो जाएगा ये? cos x 1 आ जाएगा कि नहीं? एलएचएल बनाएगा, आरएचएल बनाएगा, तो आंसर बना गया। ये कितना आएगा? हाँ हाँ, इसकी भी सीरीज आप डाल के ओपन कर सकते हो। 10x अपॉन x क्या हो गया? 1 प्लस x स्क्वायर बाई 3, अब बाद में डालना क्या है? फिर ये आ गया हमारा आंसर। आंसर 1 क्लियर। log 1 प्लस x अपॉन x भी आंसर क्या आ जाएगा? क्लियर है, आगे बढ़े। नोट के लिए आयुष, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ट्राई करना। सर ये सब प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है ना? यस यस, प्रॉपर्टी वर्ब पे ही बेस्ड, ऊपर वाले पे लगेंगे, नीचे बस थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व। सर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? 5x + 7x, 5x + 7x + sin 7, sin 5x + sin 7x। सर थर्ड वाले की लिमिट हाफ है, सारे करिए फिर एक साथ डिस्कस करते हैं सारे। Thank you.
फोर्थ वाला आप डज नॉट एग्जिस्ट भी लिख सकते हो, जो आपको नहीं लग रहा है, जरूरी नहीं है सारे एग्जिस्ट करें. मैंने मिक्स दिए हैं हर तरीके के क्वेश्चन. आप लोग की अगर मैं कभी सुबह रखना चाहूँ क्लास चलेगी? कितने बजे के बाद उठ जाते हो आप लोग? ओ तो फिर मुझे जगा देना. कितना तारीख हो गया? बोला 18 तारीख हो गया. हमारे कैलकुलेटर एंड होने में लग जाएगा अभी, इसमें पूरा महीना तो जाएगा एटलीस्ट. ये 31 तारीख तक पूरा महीना खींची जाएगा अभी, क्योंकि 26 जनवरी को छुट्टी पड़ेगी ना, उस दिन हम लोग 3-4 घंटे की क्लास या कुछ में छुट्टी उस दिन. क्यों हमने बहुत जल्दी करा यार कोर्स, इतने जल्दी नहीं करा. वरना थ्योरी इतना क्रैश कोर्स में एक्चुअली में थ्योरी नहीं होता ना इतना, तो वहां पे बहुत कम टाइम लगता है. पर वो क्रैश कोर्स में क्रैश हो जाता है जो है, शायद ही कहीं किसी क्रैश कोर्स से किसी का सिलेक्शन हुआ आज तक. ये हो गया लिमिट में एक्सटेंडिंग टुवर्ड जीरो. इसको आपने कैसे सॉल्व किया? अच्छा ठीक है, देखो वो भी एक तरीका है, और बेसिक तरीका वही है कि 2 साइन ए प्लस बी बाई टू, तो ये आ गया 2x इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो ये आ गया 3x माइनस 2x डिवाइड बाई 2x आ गया डिवाइड बाई, तो 2 साइन 6x इंटू कॉस x, तो cos x कट जाएगा कि नहीं? 2 कटा, 1/3. एक और तरीका था इसका, आप x से डिवाइड मार दीजिए ऊपर नीचे और फिर इसकी लिमिट डाल दीजिए. ये हो गई इसकी लिमिट 1, इसकी लिमिट 3 और इसकी लिमिट 5, इसकी लिमिट 7, 4/12. ये समझ में आया कैसे लिखा मैंने? तो ये इसकी जो लिमिट होती है, लिमिट में एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 साइन के एक्स अपॉन एक्स, ये क्या होता है? ये के होता है, ये भी आप लिख सकते हो. और लिमिट में एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 साइन के स्क्वायर के एक्स अपॉन x, ये जो वैल्यू होती है किसके बराबर होती है? k स्क्वायर के, करेक्ट, इसकी वैल्यू k स्क्वायर के बराबर होती है. और इसकी वैल्यू क्या रहेगी लेक्स वाले की? 8. ये तो आसान है, 1/2 आ गई. इसकी करते हैं सेकंड सेकंड की इसकी cos 4x अपॉन, हां इसकी 8 आ रही है, 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर, ये 1 - 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इनटू 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 8, करेक्ट. और लास्ट वाले की 0 0 नहीं आएगी, देखो साइन लास्ट अपॉन 5. अच्छा बोल लो, ये क्या आ जाएगी? इसकी लिमिट तो 1/5 आ रही है, ये अनडिफाइंड आ रही है, तो क्या आ जाएगा? dne इंफिनिटी हो रहा है ना, तो मैंने आपको बताया डज नॉट एग्जिस्ट. Any of LHL or RHL is coming to infinity, so that means that is dn. ये कितना हो जाएगा? Zero. Zero होगा, because finite quantity into minus one से one के बीच में कोई एक नंबर है, तो ये क्या आ गया? Zero. Are you clear ये चीज? Answer आ गया zero. Clear? आगे बढ़े? कोई doubt हो तो पूछिए. है कोई समस्या? आगे बढ़े. अब हम लोग मान लो निकालते हैं फाइन लिमिट ऑफ
आंसर निकालना है लिमिट का, क्वेश्चन थोड़ा दिया हुआ है, चलो बताना है, चलो बताना पहले, चार चल दोनों निकालिए क्योंकि एस वाले केस में तो हमें दोनों चेक करनी पड़ेगी ना। एग्जिस्टिंग मतलब आप बताओ क्या आ रही है आंसर। एलएचएल पहले निकालिए, एलएचएल क्या आ रही है, एक्सटेंडिंग टूवर्ड जीरो और एक्स की जगह क्या हो गया ए माइनस एच, तो पांच माइनस माइनस डिवाइड बाई हंस की बोले क्या हो गया, ये हो गया करेक्ट। तो एलएचएल कितनी आ रही है, चुप रहो यार, 100 बार झूठ बोलने से सच नहीं हो जाता है। आ गया माइनस और मॉड एच कितना हो गया, प्लस मॉड एच हो जाएगा कि नहीं, मतलब प्लस एच हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि एच पॉजिटिव नंबर है और मॉड लगाए, ये हो गया कितना, क्यों जीरो रखे, अच्छा जो जीरो अपॉन जीरो बना देता कि कुछ भी जीरो वन जीरो बनना था ना, दैट विल बी इंडिटरमिनेट। गायत्री आपको चमक रहा है कि बुझ रहा है, क्या बोल अब बोले क्या चमकने का, डिम चल रहा है, चमक रहा है गायत्री को आज तो तुम्हें सर नहीं आ रहा समझ में वाला भाई, तो तुम सामने कैमरा मेरा खोल के बैठो तो पता भी लगेगा थोड़ा, तुम यहाँ पूछो क्वेश्चन तो तुम रिप्लाई करते हो दो मिनट बाद, डिले आ रहा था दो मिनट का। इसमें मैंने क्या बोला, लिमिट में एच एन डॉट जीरो ए माइनस एच डाल दिया, ए माइनस एच का मतलब क्या है, पांच माइनस एच एक्स के लिए रख देंगे, ये बात समझ में आई, अब ये तो डाउट नहीं है कि ये कैसा रखा है, नहीं 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 सर ये कुछ नहीं, तो मैंने x की जगह क्या रख दिया, 5 माइनस एच और ये 5 एज इट इज है, 5 माइनस एच 5 एज इट इज है, 5 5 काट दिया, काट गया माइनस 5 माइनस 1 हाँ माइनस माइनस 1 आ गया, और आरएचएल क्या हो जाएगा, a प्लस एच डालेंगे कि नहीं, तो 5 प्लस एच माइनस 5 माइनस 5 कैसे कट गया, एच माइनस 5 ये कट गया, ये कितना आ रहा है, एज अपॉन मॉड एज 1 आ गया, तो लिमिट में बाद में कुछ भी डालते रहना तो मन हो जाएगा, तो क्या हो गई, तो ये एच स्क्वायर हो जाएगा, बी वाला एच स्क्वायर का आंसर तुम्हें दिख रहा है, नहीं 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 एच अपॉन एच 1 होता है, गायत्री तुम्हें कोई समस्या है, नहीं है, आयुषी बताओ क्या कितना आ रहा है आंसर नेक्स्ट का, ये वाला सही है, ये क्या रहेगा, ये जब जीरो डालोगे हाथ डायरेक्ट डाल दो जीरो, गोली मारो उसमें कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म थोड़ी ना आ रहा है, ले आगे आगे बढ़े, तुम्हारा आयुष आंसर मिल गया, तुमने एक बार पूछा था मेरे से व्हाट्सएप पे याद है, यही था वो क्वेश्चन सर, उस समय हो सकता है डाउट अभी क्लियर है ना, हाँ बोलो, हो गया हो गया, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करना, अगला क्वेश्चन है लिमिट में एक्सटेंडिंग टूवर्ड जीरो द वैल्यू ऑफ लिमिट में एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स वन अपॉन अल्फा, ये आ गया साइन सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए डिवाइड बाई एक्स अल्फा माइनस वन, एक्स अल्फा माइनस वन अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं,
आ गया चार। देखो इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, करेक्ट। इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है तो इसके रूट्स कितने हो जाएंगे बता सकते हो कोई? हाँ याद करो, ऐसा था ना कि एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पे सी कर दिया और बीच मिडिल टर्म एज इट इज है और ए वाला कोफिशिएंट अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बन गया है। ये मैंने पढ़ाया था आप लोग को, ए क्या रहेगा इसके रूट वन अपॉन अल्फा और वन अपॉन बीटा, करेक्ट। ये क्या हो गया ए, नहीं वो मैं निचला टर्म देख रहा हूँ, ये तो वन अपॉन अल्फा है, ये जो निचला टर्म है ना एक्स अल्फा माइनस वन, इसको आप क्या लिख सकते हो अल्फा अगर कॉमन ले लें हम, ये लिखा हुआ है ये चीज, करेक्ट। अब देखो किस चीज की कमी है, हमने अभी पढ़ा कुछ देर पहले लिमिट में एक वन अपॉन अल्फा डालने पे जीरो हो रहा है, हमने पढ़ा अभी कुछ देर पहले एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए साइन, अगर मैं यहाँ पे लिख दें x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए, जब a डालोगे तो क्या बन रहा है साइन जीरो अपॉन जीरो वाला फॉर्म बन रहा है, ये वन आ रहा था कि नहीं, करेक्ट है। तो उसी तरीके से ये वाला फॉर्म क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे x माइनस वन अपॉन बीटा का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, x माइनस वन अपॉन बीटा का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू पूरी कितनी हो जाएगी इधर से इधर तक वन हो जाएगी कि नहीं? देखो ध्यान से समझना है, ये इसके लिए वैलिड है x sin towards a sin x minus a divided by x minus a, क्योंकि जब सीरीज ओपन करोगे x की जगह x minus a खुल जाएगा, तो तरीका तो वही है सेम ही है। हो गया, एक बार उस ग्रुप पे डाल देंगे, गायत्री क्यों लेफ्ट हो गई, तो अगर गायत्री का बैटरी डाउन हो गया तो हमने कहा एक मिनट रुक जाए, गायत्री लेफ्ट हो गई ना, अभी बल बंद हो गया क्या उसका, छूट जाएगा तुम लोग के लिए छूटना, तो बैकअप क्लास भी नहीं रख पाएंगे ना बाद में, इसलिए। तो ये अब आंसर कितना आ जाएगा इसका बताइए, हाँ ये पूरा वन हो जाएगा और ये आ गया वन अपॉन अल्फा माइनस वन अपॉन बीटा डिवाइड बाई अल्फा, क्लियर है? तुम्हें कोई समस्या है सर? आगे 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 बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा, बिल्कुल सही बताया आपने। गायत्री कोई डाउट है, आप कहाँ चले गई थी? सर नेटवर्क चले गए थे। ओ कहाँ पे नोट कर लिया, कहाँ तक तुमने? बस क्वेश्चन नोट किया था, उसके बाद तो मैं चली गई थी। तो अब नोट करो उसके आगे, मैंने बोला कि ये अगर इसके रूट जो हैं अल्फा बीटा हैं तो जो ये इक्वेशन दी हुई है इसके इक्वेशन के रूट क्या हो रहेंगे तुम जज करके निकाल सकती हो। इस इक्वेशन में क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इंटरचेंज है, एक्स का कोएफिशिएंट एज इट इज है और कांस्टेंट टर्म चेंज है ए के साथ लीडिंग कोएफिशिएंट के साथ, तो इसके रूट्स कितने बन जाएंगे अल्फा वन अपॉन अल्फा और वन अपॉन बीटा होंगे कि नहीं? ये याद है, ये वाला कांसेप्ट मैंने पढ़ाया था। यस सर, यस सर। हाँ तो बस उसी को हमने जब इसके रूट्स वन अपॉन अल्फा वन अपॉन बीटा है तो ऐसे लिख दिया, एक्स माइनस वन अपॉन अल्फा एक्स माइनस वन अपॉन बीटा, ये आ गया। अब उसी से डिवाइड मार दिया एक्स माइनस वन अपॉन अल्फा और एक्स माइनस वन अपॉन बीटा, तो अब हमें ये पता है कि साइन एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ये वन होता है, तो ये जो पूरा टर्म होगा ना ये पूरा एज इट इज वन हो जाएगा, जो छूटेगा वो क्या छूटेगा एक्स माइनस वन अपॉन बीटा मैंने मल्टीप्लाई किया और अल्फा, अब आप वैल्यू डाल देंगे नेक्स्ट लाइन में आंसर, सोच लो एक बार ट्राई कर लो, कोई डाउट हो तो पूछो।
ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। cos of sin x बिल्कुल सही। आज तुम लोग का फिजिक्स का कोई पेपर है क्या? फिजिक्स के सर ने कुछ बोला था ना वो क्लास के लिए, क्लास तो क्या बोला था सर ने कि अभी आज तो हम लोग, मैं 4:30 तक लेता हूँ अभी, फिर केमिस्ट्री की क्लास कंटिन्यू हो जाएगी उसके बाद। जीरो आपका क्या रहा है? जीरो तो ऑप्शन ही नहीं है। वन माइनस वन हाफ माइनस हाफ ये ऑप्शन है। ट्राई करो जरा। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, तब तक ये करिए फिर वेरीफाई करते हैं एक साथ दोनों क्वेश्चन को। Find the least value of n such that cos x minus a की पावर x cos x minus 1 divide by x की पावर n limit extending towards 0 is finite non-zero number। इसको ट्राई करिए, मैं आता और आ गया आंसर।
टू टू तो नहीं आएगा यार, ढंग से करो सीरीज ओपन कर दो आ जाएगा नेक्स्ट। तो सीरीज में तो इधर से x निकल रहा होगा, इधर से क्यूब निकल रहा होगा, x स्क्वायर तो पूरा क्यूब हो रहा है ना, हाँ तो मल्टीप्लाई होके क्यूब हो जाएगा ना। ऊपर वाले का क्या आ रहा था आप लोग का, इसकी सीरीज ओपन करी है आप लोगों ने, हाँ 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल और प्लस x की पावर 4 बाई 1 माइनस था सॉरी माइनस x स्क्वायर बाई 4 x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल x की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल डैश डैश इंफिनिटी माइनस 1 कट गया डिवाइड बाई x स्क्वायर, तो ये वाला जो वैल्यू हो गया ये कितना हो गया 1, आंसर क्या आ गया माइनस 1 बाई 2, बाकी सब जीरो हो जाएगा। क्लियर है, बाकी जो लॉपिटल रूल होता है उससे भी चेक कर लिया करो अगर आपको डाउट लगे तो, डिफरेंशिएशन करके करते हैं ना लॉपिटल वाले में। ये नेक्स्ट वाले का बताइए, नेक्स्ट वाले का आंसर सीरीज रखेंगे नेक्स्ट लाइन में आंसर है। गायत्री आपको समझ में आया पिछला क्वेश्चन और उसको? ये सर आ गया। अच्छा और मेरे को cos x की सीरीज ओपन करनी है तो 1 माइनस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल डैश डैश इनफिनिटी माइनस e की पावर x तो माइनस 1 माइनस x बाई 1 फैक्टोरियल माइनस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल डैश डैश इनफिनिटी करेक्ट इनटू cos x माइनस 1 तो 1 माइनस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x इन्फिनिटी डिवाइड बाई एक्स की पावर एन और माइनस वन भी है यहाँ पे, इससे ये कटा इससे ये कटा सॉरी ये वाला, यहां से एक्स को मना सकता है पूरे ब्रैकेट से देखो क्योंकि यहाँ पे एक्स बचा हुआ है ना, तो सिर्फ एक्स कॉमन निकलेगा इस ब्रैकेट से, एक्स कॉमन निकालोगे क्या रहेगा माइनस वन बाई वन फैक्टोरियल और इसको कंबाइन करके लिखा हम लोगों ने, हाँ वो जो भी हो पर हमारा कि जीरो होना है लास्ट में क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या डालोगे आप जीरो करेक्ट, और लास्ट वाला क्या आ जाएगा ये यहाँ से एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल डिवाइड बाई एक्स पावर एन तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया एक्स क्यूब एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए थ्री होनी चाहिए ठीक है ना, n की वैल्यू 3 होनी चाहिए और फाइनाइट लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी n लिमिट इक्वल टू लिमिट भी कई बार पूछ देते हैं वो लोग तो n की वैल्यू तो 3 हो गई ताकि ये x स्क्वायर कट जाए वरना कटेगा ही नहीं और 3 के अगर ऊपर हो गई तो ये अनडिफाइंड आ जाएगी लिमिट, 3 से छोटी हो गई तो मतलब 0 1 2 हो गई तो तब 0 आएगी ना, यहां पे x ये वाले तो x कॉमन बचेगी ना तो फाइनाइट वैल्यू नॉन जीरो एक ही केस में आएगी वो क्या आएगी जब एन की वैल्यू 3 रहेगी, इसमें लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी लिमिट इज इक्वल टू माइनस 1 इधर से आया इधर से माइनस 1 बाई 2 तो प्लस 1 बाई 2 करेक्ट, कोई समस्या सर इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें माइनस 1 बाई 2 आएगी कि 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 आ रही आपकी क्या आ रही, मैं सॉल्व तो किया है यहाँ पे देखो यस सर ठीक है ठीक है वो क्योंकि 1 माइनस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल होता है ना वो प्लस लिख रहे होगा हो सकता है आपने करेक्ट, आगे बढ़े करें नेक्स्ट चलेंगे ना इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म सात होती है टोटल 1 की पावर इंफिनिटी और इंफिनिटी की पावर 0, इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी अनडिफाइंड होता है इंफिनिटी होता है तो वो डिटरमिनेट फॉर्म में आएगा, इनडिटरमिनेट मतलब जिसकी वैल्यू कांट बी सेड वाली कैटेगरी में आएगा, कितने हो गए ये टोटल 3 3 6 हो गए एक और है
जीरो की पावर जीरो, जीरो की पावर जीरो को देखो कैसे ये सारे इंडिटरमिनेट कैसे हैं, एक्चुअली में एक दूसरे के मिक्स से बने हुए हैं। जैसे आप जीरो अपॉन इनफिनिटी, जीरो इंटू इनफिनिटी को क्या लिख सकते हो, जीरो इंटू वन अपॉन जीरो लिख सकते हो उसको, ये जीरो अपॉन जीरो हो गया कि नहीं बोलो, सेम लिखा हुआ है इसके बराबर। और ये क्या हो गया, वन अपॉन जीरो माइनस जीरो माइनस जीरो अपॉन जीरो, जीरो अपॉन जीरो, ये कितना हो गया इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, या जीरो अपॉन जीरो भी लिख सकते हैं उसको, नीचे से बढ़ोगे तो वो इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा। सिमिलरली सारे ऐसे ही है, इसको आप कैसे लिखोगे, इन्फिनिटी की पावर वन माइनस वन, ये हो गया वन इन्फिनिटी की पावर वन डिवाइड बाई इन्फिनिटी की पावर, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो गया कि नहीं, ऐसे ही जीरो को भी लिख लोगे। क्लियर, तो सारे इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इंडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब क्या है, इनकी वैल्यू फाइनाइट आएगी पर सॉल्व करने के बाद, एंड देयर आर सर्टेन मेथड्स व्हिच हम लोग को अप्लाई करने होते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। करेक्ट, तो ये अपनी अपनी फॉर्म है, जीरो बाई जीरो के लिए अलग फॉर्म, तो तरीके जो रहते हैं स्टैंडर्ड वाले तरीके वही है कि रैशनलाइज कर सकते हो आप, सॉल्व कर सकते हो, पर हम मेन तरीका डिस्कस करते हैं जो हर एक किस्म में लगना है, वो होता है लॉपिटल रूल। करेक्ट, ये रूल क्या बोलता है, ये बंदा आया इसने बोला ठीक है ना कि एक ग्राफ है मान लो, वो ग्राफ x इक्वल टू a पे अनडिफाइंड है, या मैं कह सकता हूं ब्रेक कर रहा है x इक्वल टू a पे। करेक्ट, x इक्वल टू a पे इट इज ब्रेकिंग, दैट मींस वी कैन से कि वो बंदा x पे ब्रेक कर रहा है x इक्वल टू a पे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करें, हम अगर उसकी टेंजेंट खींचे, तो आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी आइडिया हो, थोड़ी आगे की बात कर रहा हूं मैं डिफरेंशिएशन की, जो डिफरेंशिएशन निकालते हैं दैट इज नथिंग बट जो स्लोप, स्लोप आगे की ही निकालते हैं, तो उसमें आपने पढ़ा होगा फर्स्ट प्रिंसिपल से जब डिफरेंशिएशन करते थे तो लिमिट में x टेंडिंग टुवर्ड 0 a plus h minus fa डिवाइड बाय h, ऐसा पढ़ा है ना 12वीं कक्षा में, बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल वाला, तो वो यही है कि आप अगर बंदा इस पे डिफाइन है तो उसका डिफरेंशिएशन जरूर डिफाइन होगा। करेक्ट, तो हम बोल रहे हैं कि अगर मान लो हमारा कोई भी फंक्शन है ऐसा लिमिट में x टेंडिंग टुवर्ड्स a fx by gx, ये दो फंक्शन है और ये इनडिटरमिनेट वैल्यू दे रहे हैं, जीरो बाई जीरो दे रहे हैं या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी दे रहे हैं, ऐसा कुछ वैल्यू दे रहे हैं, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं इसमें, इसकी वैल्यू जो होगी एल, वो इसकी वैल्यू सेम होगी एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ डैश एक्स डिवाइड बाई जी डैश एक्स, ये हो जाएगी। क्लियर, हाँ दोबारा भी कर सकते हैं, टेंजेंट की वो स्लोप देता है, टेंजेंट ही दे रहा है, ये जो है ना हम टेंजेंट की स्लोप की वैल्यू बोल रहे हैं यहाँ पे, ये जो है ना ये टेंजेंट नहीं है, हम स्लोप की वैल्यू काउंट कर रहे हैं एक्चुअली में f डैश x, जैसे आप x स्क्वायर निकालोगे ना, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, 2x रहेगा, लाइन है, बट अब अगर x क्यूब का निकालोगे तो क्या रहेगा इसका डिफरेंशिएशन, 2 ये 3x स्क्वायर रहेगा, तो ये तो कर्व है ना, मैं तब की बात बता रहा हूँ कि वो टेंजेंट नहीं देता, ये इसकी लेंथ देता है, वो हम जो निकाल रहे हैं ना f डैश a, हम टेंजेंट नहीं निकाल रहे, टेंजेंट तो पूरी हो जाएगी, एफ डैश उस पे पॉइंट पे स्लोप है, टेंजेंट थोड़ी ना आती है डिफरेंशिएट करने से, टेंजेंट की स्लोप आती है डिफरेंशिएट करने पे। जैसे हमने अगर तुमको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा कि y इक्वल टू x क्यूब है बेटा, इसकी स्लोप बताओ x इक्वल टू 0 पे टेंजेंट की, तुम क्या करोगे, डीवाई बाई डी एक्स निकाल दोगे कि सर स्लोप 0 आ जाएगी, स्लोप की वैल्यू 0 आ रही है वैल्यू डालने पे, हम ये नहीं निकाल रहे हैं, ये तो स्लोप की वैल्यू है, हम क्या निकाल रहे हैं, एफ डैश जो आया है ना एक्स, वो जनरल एक ग्राफ है, दैट इज नॉट स्लोप, स्लोप तो उस पॉइंट पे आएगी जब हम डालेंगे, तो अब इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं उस पॉइंट पे, तो एक्चुअली वी आर फाइंडिंग दिस वैल्यू, ये जो वाई वाली वैल्यू है, आएगी ये स्लोप ही, जैसे आप जीरो के केस में देखोगे जीरो ही आया है, ठीक है ना, बट ये वाई लेंथ है हमारी, उसका इस फंक्शन से कोई रिलेशन नहीं है, जो लाइन है ना तुम तो सोच रहे हो इसलिए तो लाइन है, तो हमें ये थोड़ी ना चाहिए लाइन, हमें तो ये चाहिए कि वाई वाली वैल्यू कितनी, लाइन तो पूरे में फैले होगी ना, और इसकी हर एक पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू होगी, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी डिफरेंशिएशन हुई 2x आया, तो x इक्वल टू 0 पे निकालोगे तो 0 आएगा, 2 पे निकालोगे तो 2 2 = 4 आएगा, 1 पे निकालोगे तो 2 आएगा, तो हर बार स्लोप चेंज हो रही है ना, तो उस पॉइंट पे स्लोप की बात कर रहे हैं, ये जो है ठीक है ना, इसलिए मैंने बताया कि आप निकालोगे पहली बार में जो कर्व आया होगा f(x) उसका फिर डिफरेंशिएशन हो रहा है, वरना लाइन का तो करोगे एक बार में 0 हो जाएगा, फिर 0 करोगे 0 याद रहेगा हमेशा डिफरेंशिएशन, ये चीज है। क्लियर हुआ कि कोई समस्या है, तो ये अगर इफ एफ डैश
a and g dash a are finite, then limit exists. इससे क्वेश्चन काफी आसान हो जाते हैं हमारे, ठीक है ना। और अगर ये नहीं एग्जिस्ट कर रहे लास्ट में हम कितने भी बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, टिल देन ये दोनों फाइनाइट बन जाए। ये डिफरेंशिएशन है जो पावर लिखी हुई ना, एक बार दो बार तीन बार या एन बार तब तक फाइनाइट ना आ जाए। ये रूल मतलब बढ़िया रूल है। आप इमेजिन करो मैंने 12th में जैसे बोर्ड में लगा सकते ना ये रूल, पर मुझे रूल पता था पहले से, दोस्त लोग सिखा तो देते ही हैं जो कोचिंग वोचिंग जाते हैं, तो ये रूल के दम पे मेरा एक लिमिट का क्वेश्चन हो गया था जी इमेजिन। बहुत चल रूल है और क्वेश्चन आता ही है वन की पावर इन्फिनिटी, ये सब तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, वन की पावर इन्फिनिटी हो गया और ये जीरो बाई जीरो जी में यही आता ही है। आगे बढ़े, अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं इसमें। गायत्री नोट कर लिया आप लोगों ने? आयुष, अरे आशुतोष, आशुतोष तो गया है लग रहा कहीं। यस सर, यस सर। अच्छा हो, आर यू देयर? एफ टू एच प्लस टू प्लस h square minus f2 divided by f of h square f of h minus h square plus 1 minus f1 given that f dash 2 equal to 6 and f dash 1 equal to 4. F dash 1 equal to 4. थ्री बाई टू और किसी की अगर हम जीरो डालेंगे तो क्या रहेगा? जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो एफ टू माइनस एफ टू एफ वन माइनस एफ वन, जीरो बाई जीरो वाला फॉर्म बनना है कि नहीं? लॉपिटल को लेते हैं यूज में, लॉपिटल क्या बोलता है कि भैया डिफ्रेंशिएट कर लो, टू एच प्लस टू प्लस एच स्क्वायर, अंदर करोगे डिफ्रेंशिएट क्या रहेगा टू, इसमें करोगे जीरो, इसमें टू एच और माइनस एफ टू का डिफरेंशिएशन जीरो, और यहाँ डैश डालोगे तो एफ डैश एच माइनस एफ स्क्वायर प्लस वन,
अंदर डालोगे तो h का 1 माइनस 2h और माइनस 0, करेक्ट, ये आ गया। अब आप s टेंडिंग टुवर्ड 0 डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 है तो ये आ जाएगा 2 f डैश, 0 डाल दिया तो क्या हो गया f डैश 2 अपॉन f डैश 1 और 1 माइनस 2 1, क्लियर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 f डैश 2 मतलब 2 इंटू 6 डिवाइड बाई 4, 3 आ रहा है। अपॉन में 2 भी तो है, कहां पे अपॉन में 2 दिख रहे, 1 माइनस 0 है ना, 1 माइनस 0 दैट मीन 1 ना, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन लिखो, इसकी वैल्यू बताने में क्या होगा, कहाँ गया वो, देख रही है? नहीं मिली, बच के चल रहा है। नहीं सही चीज है, पर बहुत उस दिन मजा आ रहा था इसे करने में, उससे पेंसिल से अच्छी है ये वाली पेंसिल, महंगी जरूर है, ठीक है। आ गया आंसर, आ गया, कितना आ रहा है, लॉग 1 to 2 मतलब, क्या बोल रहे हो यार, बेस में लॉग 1 अगर आ रहा है तो 0 हो जाएगा भैया लॉग, वो नीचे अनडिफाइंड हो जाएगा, अपॉन में लॉग होगा 0, इसको पहले बेसिक प्रॉपर्टी से चेंज करो ना, ये है लॉग 2 अपॉन लॉग एक्स स्क्वायर, करेक्ट, लॉग की प्रॉपर्टी लगाइए, क्लियर, ये आगे लिमिट में एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1, ये कितना हो गया, ये क्या हो गया 2 log x, करेक्ट, इसको आप ऐसे लिख रहे हो 1 माइनस x स्क्वायर, देखो 1 डालने पे क्या हो रहा है, 0 बाई 0 हो रहा है कि नहीं, तो लॉपिटल रूल लगाओ क्या आ रहा है, लॉपिटल बाबा काम में आ जाएंगे, यहाँ पे अनडिफाइंड नहीं आएगा, फिर ढंग से करो डिफरेंशिएट, एक बार फिर अपडेट चेक कर रहे हैं,
डिफरेंशिएशन तो होना चाहिए ना। डिफरेंशिएट करना आता है आप लोगों को नीचे? क्या आ रहा है डिफरेंशिएशन बताइए। रूट लगा हाँ तो क्या रहेगा, वन का जीरो माइनस टू एक्स लॉग टू कॉन्स्टेंट एज इट इज पड़ा रहेगा, और ये क्या हो गया टू अपॉन एक्स, एक्स ऊपर मल्टीप्लाई हुआ माइनस एक्स लॉग टू। बस अब क्या डालना है, डाल दो वन, क्यों डर रहे हो, डाल दो वन आंसर पूरा, मतलब एक साथ ही डिफरेंशिएट मार दिया। ऊपर नीचे अलग अलग होता है डिफरेंशिएशन, रूल ये बोलता है इसका अलग करिए इसका अलग करिए, डिफरेंशिएशन एक साथ कर देंगे तो दोनों इंडिपेंडेंट फंक्शन है ना, एक साथ थोड़ी ना कर सकते उनका डिफरेंशिएशन, समझ रहे हो कि नहीं। डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्या बहुत? आगे बढ़े। लिमिट में एक्सटेंडिंग टुवर्ड जीरो ए की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाय ए की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वन, बिल्कुल सही। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, एक ही पावर क्या डाल रहे हो आप, जीरो क्या रहा है, वन माइनस वन जीरो पॉइंट जीरो, जीरो पॉइंट जीरो आ रहा है, सोच के बोलो, जीरो पॉइंट टू आ रहा है बल्कि, हाँ तो ये फाइनाइट होनी चाहिए, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस वन आ रहा है क्या सर, भैया जीरो डालोगे तो वन आ जाएगा, वन माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस वन, जीरो आ गया इतना बड़ा बड़ा, वो क्या कर रहे हो, बेसिक क्वेश्चन दिया भैया मैंने, लॉपिटल रूल तो तब लगाएंगे आप जब जीरो पॉइंट जीरो होगा, जो रस्ती ठोक देंगे लॉपिटल रूल, सर सीख लिया है रूल तो लगा ही, सर फिनर रूल के तो हो ही नहीं सकता कोई ना, आपने रूल पढ़ाया तो पक्का लगा ही देंगे हमको, हम लोग को तो यार बहुत इजीली कोई घुमा सकता है। थोड़ा मतलब ढंग से हम सोच के करें तो मजा भी आएगा करने। गायत्री आपको आपको हो रहा है क्वेश्चन की नहीं हो रहा है, ये कर रही हूं सर, तो थोड़ा रिस्पांस भी दो यार, ऐसे ही बोलते रहोगे। आप लोग उदास लग रहे हो बहुत ज्यादा, क्या हुआ मॉरल डाउन हो गया क्या सबका, खुश रहो यार वो तो जीवन बाकी बहुत ज्यादा है अभी तो, जीवन इंजीनियरिंग कॉलेज की कमी नहीं भारत में। हम लोग का मैथ्स का तो हम एक बार देखना रिवीजन भी कर लेंगे एग्जाम तक, कम से कम टाइम तो हो ही जाएगा, आंसर बना रहा इसका कैसा निकला, तो क्या हो जाएगा डिवाइड करके, बिल्कुल तुमने सही बात बोली पहली बार कि जब आप इन्फिनिटी डालोगे ये आ रहा है ई पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन रहा है, पर इसको हम चेंज कर सकते हैं कैसे, अगर हमने ई की पावर एक्स स्क्वायर से डिवाइड मार दिया ऊपर नीचे
ए क्या हो जाएगा, वन माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वन प्लस ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ए की पावर माइनस इन्फिनिटी हो गया जीरो, ए की पावर माइनस इन्फिनिटी हो गया जीरो, आंसर कितना हो जाएगा वन, क्लियर आ जाएगा आंसर। कोई समस्या गायत्री आपको, आशुतोष आपको, वन की पावर इंफिनिटी फॉर्म लिखना, इसमें लिखना लिमिट में एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स की पावर जी एक्स, अगर वन की पावर इंफिनिटी है तो दैट मीन्स लिमिट में एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन, एंड लिमिट में एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए जी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, वन की पावर इन्फिनिटी हो गया। इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसकी हम लोग लिमिट लिखते हैं ई की पावर लिमिट में एक्सटेंड, इसमें हम क्या करते हैं देखो पहले समझ लो कि तरीका क्या है, वरना तो फॉर्मूला आपको ही पता होगा। दोनों तरफ लॉग लेते हैं, ठीक है, लॉग वाई इक्वल टू लिमिट में इसका लॉग लोगे तो जी एक्स कोने में गिर जाएगा, करेक्ट, लॉग एक्स। अब ये जो बंदा है लॉग एक्स, जब आप इसको डालोगे एक्सटेंड टुवर्ड्स ए तो ये कितना आ रहा है, वन आ रहा है, समझ रहे हो, आ रहा है वन की नहीं, एफ वन हो जाएगा ना, सोच लो पहले एक बार, हाँ ये वन हो जाएगा, yes, sir। और ये क्या है, ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी इंटू कितना हो जाएगा लॉग, वो इन्फिनिटी इंटू जीरो हो जाएगा, लॉग वन जीरो हो रहा है। तो इसको लॉग वन को कैसे अप्रोक्सीमेट करते हैं, लॉग वन को या लॉग एक्स को कैसे अप्रोक्सीमेट करते हैं, हम सभी को बताया लॉग एक्स की सीरीज क्या होती है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू एंड सो ऑन। अगर जो एक्स है बहुत छोटा एलिमेंट है, बहुत छोटा है तो ये सारे एलिमेंट बहुत छोटे छोटे होंगे कि नहीं, लेग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लॉग वन प्लस एक्स की वैल्यू क्या हो गई अप्रोक्सीमेशन के लिए एक्स हो गई। अब इसी तरीके से लॉग एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी अप्रोक्सीमेशन के लिए एक्स माइनस वन, एक्स को क्या करो एक्स माइनस वन से रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पे, क्लियर, तो वही वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी है, ये क्या हो जाएगी तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी ए की पावर लिमिट में एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स, हाँ वही बात है कि ये कुछ भी आपको बोलो करेक्ट, याद है ए की पावर में पूरा, तो ये होता है इसका सोल्यूशन। क्लियर है, आगे बढ़े सर, एक मिनट, हाँ लिख लो, इसके लिए आपको शीट मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, उसी रिवीजन शीट से करो अभी क्वेश्चन, आप ना वो छूट जाएगा, एंड टाइम प्रॉब्लम ही है उससे करिए, और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट रहती है तो पी वाई क्यू है हमारे पास, और भी रहती तो बताइएगा, अगर पढ़े तो है हमारे पास क्वेश्चन, उसको जरूर जरूर कर लीजिएगा, रिवीजन शीट को बिल्कुल भी हल्के मत लीजिएगा, दोनों डिपार्टमेंट दिए 11 हो गया सर, ठीक है ना, बाकी पीवाईक्यू दो चीजें बस, और ये भी नहीं हो पा रहा तो सिर्फ पीवाईक्यू कर लो बस कुछ नहीं हो रहा तो घर पे आराम करो, कुछ दिन जाके दो दिन लेट हो गए सो गए, जब टाइम वेस्ट कर दोगे तो फिर रियलाइज होगा ना कि आज इतना पढ़ाया उतना ही, कम से कम यूटिलाइज तो कर ले, जो बेवकूफ लोग होते हैं वो दो दिन वेस्ट करके समझते हैं ना, ये समझदार इंसान बेवकूफ इंसान में यही तो अंतर होता है ना, कि वो वक्त रहते समझ लेता है, वो वक्त निकलने के बाद समझता है, समझ उसको भी आता है कि मैंने गलत किया, मजे नहीं करने चाहिए। ओके क्वेश्चन करें, लिमिट में एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स एम टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी
पास x by m की पावर पावर m पावर m e की पावर x आंसर पूछो e की पावर x मतलब अच्छा मतलब वहां आंसर आप बता रहे हो ये कौन सा फॉर्म बन रहा है m ये 1 की पावर इनफिनिटी फॉर्म बन रहा है कि नहीं ये क्या हो जाएगा e की पावर इसको अब e की पावर में लिख लेते हैं लिमिट में तो cos fx - 1 तो यहां पे fx की जगह क्या है cos xym है माइनस वन इंटू जी एक्स जी एक्स विल बी एम इसको सॉल्व कर लीजिए क्या आ रहा है ये क्या हो गया वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू एम माइनस वन इंटू एम करेक्ट तो ये क्या गया ए की पावर माइनस में टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू एम और हम इसको गिरा ले अगर नीचे वन अपॉन टू एम ठीक है ना वन अपॉन टू एम की जगह आप ऐसे कर दो और वन अपॉन टू एम का एम कर दीजिए वन अपॉन एम अब इसकी लिमिट आप सोचो क्या होगी जरा इसमें भी ऐसे लिख सकते हो साइन एक्स अपॉन एम इंटू साइन एक्स अपॉन टू एम ऐसे करके लिख सकते हो कि नहीं तो 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसे 1 बना सकते हैं ना इसको जैसे जो साइन है x अपॉन 2m है उसके अंदर तो यहाँ पर नीचे हम उसको 2m बना सकते हैं ना हाँ बिल्कुल x अपॉन 2m को होल स्क्वायर बना सकते हो पर उससे फिर तुम्हें मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा ठीक है ना जैसे मेरे कहने का मतलब है उसको जरूरत नहीं ना हम इतना ही ले लेते हैं इसको x अपॉन 2m बना लो आप x अपॉन 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 अपॉन x से डिवाइड नहीं मार दे रहे ठीक है ना इतना वैल्यू वन हो गया करेक्ट क्यों वन हुआ अगर ये डाउट है तो मैं तो पहले ऐसे कर लो m टेंडिंग टुवर्ड्स इनफिनिटी साइन x अपॉन 2m डिवाइड बाय x अपॉन 2m ये वन होगा कि नहीं पहले तो यही बता दो आप इसमें कोई समस्या तो नहीं है किसी को हाँ आंसर वन ये बताओ ये वन होगा कि नहीं वन होगा ना क्योंकि साइन जीरो डिवाइड बाई जीरो सेम सेम वाला बन गया है तो इसका आंसर भी वन होगा ठीक है ना अगर कोई समस्या है तो m को आप 1 बाई t से रिप्लेस कर दो फिर वो t टेंडिंग टुवर्ड 0 वाले में बन जाएगा पर आप इसको भी याद कर सकते हो क्योंकि हर एक चीज को अब हम समझ डायरेक्ट भी समझना इंपॉर्टेंट है ना मतलब पेपर में थोड़ी ना हर एक स्टेप लिखोगे बैठ करके बोलो गायत्री कोई समस्या नहीं सर देखो ये पार्ट अगर 1 बना दिया है तुमने तो x तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा यहां पे m कितना है इंफिनिटी तो साइन 0 आ गया पूरा 0 कर देगा कि नहीं वो बोलेगा आओ बेटा मेरे साथ सारे लोग 0 लो आंसर वन क्लियर और आप जो बोल रही थी ना गायत्री x अपॉन 2m का होल स्क्वायर उससे भी आंसर वही आएगा वो जो m जो आप मल्टीप्लाई करोगे ना वो ऊपर पहुंच जाएगा बाद में एक सिंगल m लेकर के तो वो भी जीरो कर देगा उसको आंसर सेम ही आएगा उससे भी क्लियर आगे बढ़े Yes, sir. Next question लिखना limit में n tending towards infinity n minus n square minus n
प्लस वन डिवाइड बाई एन स्क्वायर एन माइनस वन की पावर एन इंटू एन माइनस वन. कौन सा फॉर्म बन रहा है? नो ऑप्शन तो दिया मैं. एक क्या हो जाएगा लिमिट में? कौन सा फॉर्म है? वन की पावर इनफिनिटी. हाँ, ये इनफिनिटी डालोगे तो डायरेक्ट नहीं डाल सकते हम, एन स्क्वायर से पहले डिवाइड मारेंगे ना. ये वन की पावर इनफिनिटी वाला फॉर्म. वन की पावर इनफिनिटी तो लिमिट में एन टेंडिंग टुवर्ड्स इनफिनिटी एफ एक्स माइनस वन एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स. ये ई की पावर में चढ़ा हुआ है पूरा. ये आप निकाल लीजिए कितना आ रहा है, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन टू हो गया है. और इससे नीचे एन स्क्वायर कॉमन लिया हम लोगों ने, ये ए की पावर में वन प्लस वन कितना हो गया टू. सही हो जाएगा वन माइनस जीरो और ये भी सारा वन. आगे बढ़े. यस. इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म लिमिट में एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी लिख लेता हूं इसको. काम है निकालना है लिमिट, कुछ नहीं डिवाइड करना. इसको कैसे करते हैं हम लोग? लॉग नहीं, नहीं लॉग नहीं, रैशनलाइज करते हैं. रैशनलाइज करते हैं, रैशनलाइज करेंगे क्या हो जाएगा ऊपर नीचे किससे डिवाइड मारेंगे और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन करेक्ट. और ऊपर ए प्लस बी हो गया, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिख जाएगा. ये कट गया, ये इससे कट गया, एक्स अपॉन समथिंग आएगा. जो एक्स ऊपर बचा हुआ है इसको डिसॉल्व करने के लिए नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स कॉमन आ जाएगा. इन्फिनिटी हो गया. हाँ हो गया वन प्लस जीरो प्लस जीरो तो आ गया वन, ये वन वन टू आ गया आंसर.
क्लियर है गायत्री आपको? क्लियर है? कोई डाउट हो रहा है क्या आशुतोष गायत्री? नहीं सर। आगे बढ़े? नो सर, कोई डाउट नहीं है। एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाय 2, एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाय 2, कॉर्टेक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय पाई माइनस 2x का होल क्यूब। सर पाई माइनस 2x की पावर क्या लिखा है? क्यू। देखो ऐसा क्वेश्चन को आसान करने के लिए आप तो क्या करो, x माइनस पाई बाई 2 को अगर हम लोग t मान लें तो जब ये लिमिट में x टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई 2 है तो t क्या हो जाएगा? टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो जाएगा, करेक्ट? और cot x की जगह क्या लिख सकते हैं? cot पाई बाई 2 प्लस t माइनस cos डिवाइड बाई पाई माइनस 2x, 2x की जगह क्या हो जाएगा? 2x माइनस पाई की वैल्यू 2t हो गया ना, तो पाई प्लस 2t हो जाएगा कि नहीं है? पाई माइनस 2x माइनस 2t का होल क्यूब, करेक्ट? तो ये क्या हो गया? माइनस में साइन t और ये सॉरी क्वार्ट वाला क्या हो जाएगा? क्वार्ट होता है किसमें चेन? 10 में, करेक्ट? पाई बाई 2 पे हो जाएगा माइनस पर 10 टी और ये अपॉन, बस सॉल्व कर लीजिए अब इसको, अब तो तुम्हारी देखी हुई लिमिट बन गई। ये क्या हो गया? माइनस साइन टी अपॉन कॉस टी लॉपिटल में लगा सकते हो, पर तीन बार लगाना पड़ेगा ना, इसलिए ऐसे कर रहे हैं हम लोग। तो साइन टी कॉमन ले लेते हैं माइनस में, साइन टी कॉमन लिया माइनस है, ये माइनस काट देते हैं पहले, यहाँ पे हम माइनस आ जाएगा। साइन टी कॉमन लिया तो क्या गया? 1 माइनस कॉस टी, यहाँ पे 8 टी स्क्वायर। हाँ हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, जीरो डालना है बाद में। ये क्या हो गया? 1, और इसको क्या लिख सकते हो? और 8 टी स्क्वायर है, ये कट गया, आंसर क्या आ गया? 4, तो 1 अपॉन 4 इंटू इससे आएगा 1 अपॉन 4, नहीं 0 माइनस 0 नहीं, 0 अपॉन 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अगर ये ऊपर वाली इक्वेशन है लॉग ले कहा, क्यों लॉग ले लें? क्यों ले लें? जबरदस्ती ले लें कुछ भी ऐसा नहीं ले सकते। हाँ, तो
जीरो माइनस जीरो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म होती नहीं ना, पर लॉग जीरो जो होता है तुम्हारे हिसाब से डिफाइंड है लॉग जीरो, तुम ये बोलना चाह रहे हो लॉग जीरो भी डिफाइंड हो गया तुम्हारे हिसाब से? कुछ भी, कोई भी गणित लगा दो सर। लास्ट थर्ड स्टेप में माइनस साइन टी कैसे लिखा, उससे पहले तो प्लस था कहाँ पे? अरे मैंने माइनस कॉमन ले लिया, इससे यहाँ पे माइनस हट जाएगा और यहाँ प्लस था तो माइनस कर दिया, मैंने माइनस कॉमन ले लिया नीचे वाला माइनस है ना डिसॉल्व करने के लिए। तो अपने हिसाब से करो, आंसर सही आएगा तुम्हारा। मेन लास्ट वाला मैच करना चाहिए ना, तरीका और रास्ता डिफरेंट हो सकता है बट मंजिल सही होनी चाहिए। सही बात है कि नहीं? यस सर। हाँ सही बात, तुम लोग तो खैर ठोकर खाए हुए लोग हो ना, देख के ही चूज करोगे। मैं वैसे जब फ्री होता था तो लाइनें लिख देता था ना, अभी मेरी बहुत लिखी हुई पूरी, मैं लाइनें तो लिख नहीं पा रहा हूँ, घटिया घटिया लाइनें बोल रहा हूँ। हाँ वही तो टाइम होता मिल नहीं रहा नहीं, अच्छी लाइन अगर लिख देता तो अच्छा लगता। कल मैंने गंदी एक लाइन लिखी थी कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो हो जाएगी तुम्हें परेशानी, और उसकी तुम्हें बड़ी बड़ी कीमत पड़ सकती है चुकानी। तो डांटने के लिए नई लाइनें लिख। सर मैं भी लिख लेती हूँ ऐसी। अच्छा तो भेज दिया करो मेरे को लिख लिख के, मेरा काम हो जाएगा थोड़ा, मेरे को जरूरत पड़ती है ऐसे लाइनों की। आजकल के बच्चे पढ़ाई से ज्यादा लाइन सुन रहे हैं। तो पढ़ाई वाले बैच में भी पढ़ाई होती है, बाकी बैच में बात लाइनें होती है। हाँ तो भाई हमसे टीचर को मजबूर होना पड़ रहा है अपने कंटेंट के साथ साथ, ये कंटेंट भी डेवलप करना पड़ रहा है, मीम भी शेयर करने पड़ रहे हैं, मीम बनवाने पड़ रहे हैं, बनाने पड़ रहे हैं खुद को। आगे बढ़े और कंटिन्यू करेंगे, हो गया बस अभी है एक दो मिनट, चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, जेई का क्वेश्चन करते हैं। अरे भाई चुपचाप क्वेश्चन करो, तुम आम खाओ ना गुडलियां क्यों बन रहे हो, मतलब तुम्हें ना पढ़ाओ तो परेशानी, पढ़ाओ तो परेशानी, चाहते क्या हो? ऑलमोस्ट हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है, तुम क्वेश्चन जाके सॉल्व कर सकते हो घर पे। हम लोग अभी इसके बाद लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने से पहले कल पढ़ेंगे इन आईटीएफ, आईटीएफ छूट गया हमारा बीच में तो आईटीएफ पहले कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि उसके क्वेश्चन जरूरी है करना। ये बताना है तुम्हें माइनस इंफिनिटी है, इसको चेंज कर लेना, माइनस इंफिनिटी है, प्लस इंफिनिटी अलग कर लोगे आप। माइनस इंफिनिटी मतलब लेफ्ट साइड पे नेगेटिव साइड पे है नंबर लाइन पे, ये नंबर ऊपर से क्या कॉमन ले हम लोग, स्क्वायर कॉमन ले। कम से कम तो देखो एक्स क्यूब कॉमन ले वरना ये प्रॉब्लम कर देगा, कम से कम करें। इन्फिनिटी है ना तो जीरो हो जाएगा, और ये देखो अभी यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है, मॉड किससे ओपन होगा, पॉजिटिव से कि नेगेटिव पे? नेगेटिव पे क्योंकि नंबर लाइन तो नेगेटिव साइड पे है, करें बोलो यस और नो। तो बात तो एक ही है, बाद में इसी को लिख देंगे वन अपॉन एक्स, बात तो एक ही तुम बोल रहे हो ना, ऐसे कर देंगे क्या, फर्क क्या बोल रहा है? ये हो गया, आप जब इन्फिनिटी डालोगे तो साइन जीरो अपॉन जीरो वाला कॉमन है वही लगा देंगे फिर से, क्या लगा देंगे, वन आंसर लिख देंगे, ये आंसर वन हो गया। ये जीरो है पहले से और ये एक्स क्यूब को मारो गोली नीचे, ये क्या, ये हो गया जीरो, ये हो गया माइनस वन, तो आंसर क्या आ गया, माइनस वन, बिल्कुल सही है।
जेई एडवांस का एक तुमने क्वेश्चन कर लिया सॉल्व इस तरीके से आया हुआ है ना क्वेश्चन जेई एडवांस में सिलेक्शन हो गया यही चाहिए था बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता रहा हूँ बार बार अपने आप को ये मत समझो कि लाइक ये एडवांस बहुत डिफिकल्ट होता है चिल मारो और ये सोचो कि जितने क्वेश्चन मेरे से बन पाएंगे मैं कम से कम उतने ढंग से करके आऊंगा उसमें भी आधा फिनिश नहीं हो जाऊंगा ये एडवांस नाम देख करके पेपर पे क्योंकि आधा खेल नाम दो आधा खेल कंटेंट का है और माइंडसेट का भी है कुछ खेल बहुत इंपॉर्टेंट तो माइंडसेट भी बहुत लोग का डिपेंड करता है तो आधे लोग का ये एडवांस देख के ही माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि हमसे ना हो पाएगा हम तो बस फॉर्म भर के जाते जरूर है सारे लोग पेपर देने प्रॉब्लम ये भी है उन्हें पता नहीं हो पाएगा फिर भी पेपर देने जाएंगे कहते हैं यार चलो बेइज्जती ही करा ले जाके कम से जैसे ओलंपियाड का पेपर देते हैं बाकी लोग अच्छे जिनके स्कूल में आ रहे होते 99 98 उनके ओलंपियाड में आते दो नंबर से माइनस दो माइनस छः बेचारों के देख के हवा कैसे गलती है क्या है और ऐसे एग्जाम जरूरी है क्योंकि उससे उनको रियलाइज होता है ना कि मैं कुछ बड़ा सा पढ़ना पड़ेगा भाई ढंग से ना बोर्ड का पढ़ाई करके तो लोगों को यही लगता है राजा है जैसे मेरी यूपी बोर्ड में 8th रैंक थी तो मैं कॉलेज में गया तो मुझे लगा मैं राजा हूँ वहां जाके पता लगा सीबीएसई बोर्ड का जो पूरे इंडिया का सेकंड रैंकर है वो बैठा हुआ है एक बेंच पे लड़की बैठी हुई है जिसने टॉप किया हुआ है उसकी भी 5 रैंक है पूरे इंडिया में सीबीएसई बोर्ड पे हम तो यूपी में चौड़े होकर घूम रहे थे तो फिर अगले दिन से टाइम टाइम फिस हो गया चुप बैठ गए और सब स्कूल के टॉपर एक तरफ से जितने आए हैं सब बड़े बड़े कोई दून स्कूल का टॉपर कोई ये स्कूल कोई वो स्कूल सब एक से मायो करके एक स्कूल है जो बोर्डिंग स्कूल से मुझे उनके नाम जाके वहां पे पता लगे कितने बड़े बड़े बोर्डिंग स्कूल होते हैं जिनकी फीस है 12-12, 15-15 लाख रुपए एक एक साल की कोई बता रहा है कि किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा पढ़ रहा था उसके साथ में कोई कुछ पढ़ रहा था कोई कुछ पढ़ रहा था ऐसा ऐसा स्कूल तो वही है ना जब कुएं के मेंढक बने रहते हैं अब तक पता नहीं लगता तो इसलिए एक अच्छा फायदा होता है अच्छे बड़े कॉलेजेस में जाने का कि जब इलाइट लेवल के लोगों के साथ बैठता हूँ मजा आता है फिर एक अलग ही लेवल आपका छोटा सा फोन है वो लेके आ रहा है नोकिया ई सीरीज का फोन कल ही लॉन्च हुआ है आज ही ले आया हूँ खरीद के लगता है भाई तो बहुत पैसा है इनके पास वही है ओके चलो फिर ठीक है यहीं तक रखते हैं आज ठीक है ना आई होप कि हम सभी भी कुछ बढ़िया करेंगे लाइफ में मुद्दा ही है ना ओके गायत्री कोई समस्या है आपको नहीं सर चलो ओके फिर हाँ यहीं तक रखते हैं कल कंटिन्यू करते हैं चलो फिर बाय अभी 4:30 से केमिस्ट्री क्लास हो गया ओके